Back, dear traders, at technical analysis world, we are back with the new candlestick pattern jiska naam hai bearish harami candlestick. It's a Japanese word, dosto. Yahan pe main kehna chahunga, it's a Japanese word, right? Bearish, everyone knows ki bearish ka kya matlab hota hai, par harami ka matlab main ek baar bata deta hu aapko. In English, hum kya kahenge usko, it's a Japanese word. Jo Mr. Steve Nissen the, unhone Japanese candlestick ko स्टॉक मार्केट में अप्लाई किया था, बट इसका मीनिंग होता है प्रेग्नेंट लेडी. ओके, सो यू कैन सी हियर, राइट? आपके लिए बहुत बढ़िया इमेज ढूंढी है, राइट? सो यहाँ पे इसका क्या मतलब होता है प्रेग्नेंट लेडी? तो कैंडलस्टिक का ये पैटर्न क्या होता है? ओके, तो ये पैटर्न के लिए वी नीड अ टू कैंडल्स, राइट? ये दो कैंडल का पैटर्न है. जैसे हैमर जो हमने देखा था, इट वॉज द पैटर्न ऑफ वन कैंडल, सिंगल कैंडल. ओके, तो इसको भी हम कॉम्बिनेशन में ऑलवेज देखेंगे बॉलिंगर में. हम सिर्फ आपको ये पैटर्न बता देंगे, लेकिन हम आपको कॉम्बिनेशन नहीं बताएंगे, तो कोई मतलब नहीं है. क्योंकि जो चीज हमारे साथ हुई, राइट, हम ट्रेड नहीं कर पाए थे सिर्फ पैटर्न से, क्योंकि ये पैटर्न तो बार बार बनती रहेगी साइडवे मार्केट में. तो थोड़ी थोड़ी थोड़े थोड़े दिनों के बाद या थोड़े थोड़े ट्रेडिंग सेशन के बाद यू विल गेट फ्रीक्वेंटली, राइट? सो यू विल नॉट बी एबल टू ट्रेड, राइट? सो वी हैव डिसाइडेड टू गो विद द बॉलिंगर बैंड, राइट? जैसे हमने और कोई हमने जो आगे भी जो पैटर्न देखी थी उसमें भी हमने बॉलिंगर बैंड का सहारा लिया था. तो यहाँ पे दोस्तों बहुत क्लियर चीज है, बेरिश हरामी पैटर्न जो आती है वो ऑलवेज राइजिंग मार्केट में आएगी, बढ़ने वाले मार्केट में. मान लो मार्केट ऐसे बढ़ रहा है, राइट, उसके बाद हमें ये पैटर्न मिल सकती है. उसके बहुत क्लियर चीज है, एक ऐसी इतनी सारी कंफ्यूजन है दोस्तों, लेकिन हम सिंपल वे में आपको बता देते हैं. अगर वो कंडीशन हो तो ही आप कंसिडर कीजिएगा, वरना बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, राइट? एक ग्रीन कैंडल चाहिए, राइट? ग्रीन कैंडल क्या है? तो इट्स अ लेडी, राइट? ये लेडी है, ओके? एंड ये रेड कैंडल क्या है? तो वो है बेबी, राइट? जो प्रेग्नेंट लेडी जो यहाँ पे जो दिख रहा है बेबी, राइट? सो सेम वे यहाँ पे दो कैंडल की पैटर्न बनती है. एक सिंपल चीज है, ग्रीन कैंडल में पता ही है, फिर भी बता देता हूं, ये ओपन है, ये क्लोज है, राइट? रेड कैंडल की जो रियल बॉडी है वो इसके बीच में होनी चाहिए. अभी इसमें इतनी सारी कंफ्यूजन है, कोई कहता है शैडो बार हो तो चलेगा, सिर्फ रियल बॉडी बीच में होनी चाहिए. ओके, ऐसी बहुत कंफ्यूजन है, लेकिन मैं आसान तरीकों में आपको बता दूं बेस पैटर्न के लिए. ये वाला जो हम देखने वाले हैं वो मैं बता देता हूँ. एनसीसी का चार्ट है, उस पर हम देखेंगे, वो बाद में हमें आपको एक्सप्लेन करते हैं. तो ये जो कैंडल है रेड वाली जो बेबी है, वो हमें इसके हाई और लो के बीच में चाहिए, सिंपल, राइट? ऐसा होगा तो भी चलेगा. ओके, सो कंफ्यूजन क्लियर हो गई, राइट? अभी लेट्स मूव ऑन द चार्ट. सो अभी हम देख रहे हैं एनसीसी का एक चार्ट है, जिसका एनएससी का कोड भी यहाँ पे है, तो आप यू कैन फाइंड इट इजीली विद द हेल्प ऑफ कोड. ओके, ये पीछे का जो चार्ट है जहां पे हमें मिला था ये पैटर्न. दोस्तों बॉलिंगर बैंड आगे के वीडियो में भी बताया, बट आई वुड लाइक टू रिपीट इट. बैंड बॉलिंगर पैरामीटर एवरेज टाइप विल बी एज फॉर सिंपल एवरेज पीरियड, यहाँ पे 10 स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी 10, ऑलरेडी इट इज ऑन द चार्ट. ओके, सो आपको वापस नहीं दिखेगी, लेकिन ऑलरेडी वो ऐड थी. तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, इस तारीख को एक बड़ा ग्रीन बार बना, अपर बैंड, मिडल बैंड एंड लोअर बैंड तीनों को कवर कर दिया. ऐसा जरूरी वो जरूरी नहीं है, सिर्फ बता रहा हूँ कि ये ऐसा बड़ा ग्रीन बना जिसने तीनों अपर तीनों बैंड को कवर कर दिया. उसके बाद देख सकते हैं कि एक और ग्रीन कैंडल बना, राइट? फिर एक रेड कैंडल बना. तो मैंने आपको क्या बताया कि जो ग्रीन कैंडल है ऐसे इस हिसाब से होना चाहिए. ओके, रियल बॉडी जो है वो ऐसे बीच में होनी चाहिए, रियल बॉडी के, राइट? शैडो प्ले बाहर है, चलेगा. अभी द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इज, ये जो बेबी है यानी ये जो रेड कैंडल है उसका लो अपर बैंड से अनटच होना चाहिए, बहुत सिंपल चीज है. अभी और एक चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो बहुत मुश्किल से शायद किताबों में मिले या ना भी मिले. ओके, हो सकता है मिल भी जाए, लेकिन बहुत मुश्किल चीज है, कोई किसी को बताता नहीं, बता देता हूँ आपको, क्योंकि जो चीज हमारे साथ हुई वो आपके साथ ना हो. एंट्री कहाँ से लेनी है? खत्म,
वहीं पे तो आगे कुछ आएगा ही नहीं, वो लोग बता देंगे कि यहाँ पे एक पैटर्न थी, फिर स्टॉक इतना गिर गया और हम यहाँ पे चल रहे हैं, बट कहाँ एग्जिट, एग्जिट कहाँ पे करेंगे, उसके बिना क्या करेंगे दोस्तों ये ट्रेडिंग मेथड का, राइट? सो एंट्री और एग्जिट बोथ विल बी देयर। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आपको कि ये जो कैंडल है उसका लो नेक्स्ट डे ब्रेक होता है, ये लो जो है वो अपर बैंड से अनटच होना चाहिए, तो अनटच है, यस। उसके बाद उसके लो के नीचे आपको सेल कर देना है। अगर बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो अगर हमारे एंट्री प्राइस के नीचे गैप डाउन ओपन होता है तो अवॉइड करेंगे, ट्रेड कर भी सकते हैं, लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होता है तो उस केस में आपका रिस्क रिवॉर्ड बिगड़ सकता है, राइट? तो एडवाइजेबल है कि आपके लो से यहाँ कहीं पे ओपन होना चाहिए और आपको ये लो ब्रेक होने के बाद बेचना है, राइट? अगर 64.35 के नीचे ही ब्रेक ओपन होता है, सपोज 61 या 60, तो एडवाइजेबल नहीं है बेचना, राइट? यानी गैप डाउन में कई बार हम फंस जाते हैं, ट्रेड नहीं कर कीजिए मत, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन करेंगे तो रिस्क मैंने बता दिया, राइट? सो एडवाइजेबल क्या है वो भी हमने बता दिया। स्टॉप लॉस विल बी द हाई ऑफ बेबी, ये कैंडल को मैं बेबी कैंडल बोल रहा हूँ, राइट? सो यानी जो जो बीच में है, जो लेडी है प्रेग्नेंट, राइट? तो उसके बीच में जो बेबी है उसके लो के नीचे सेल करेंगे, उसका बेबी का ही है स्टॉप लॉस रखेंगे, ओके? फिर बेचने के बाद क्वांटिटी कितनी रखेंगे मैं हर वीडियो में आपको बताता ही रहता हूँ, बट फिर भी हाउ टू इंश्योर ट्रेड वाला वीडियो वापस एक बार देख लीजिएगा। बेचने के बाद कुछ नहीं करना है, यू नीड टू रिवाइज द स्टॉप लॉस। अभी भेज दिया, ये दिन खत्म हो गया, वी जस्ट नीड टू रिवाइज द स्टॉप लॉस। सो हाई ऑफ दिस कैंडल विल बी योर न्यू स्टॉप लॉस, दैट्स वे यू कैन रिवाइज द स्टॉप लॉस। दिस इज नाइस वे टू एक्सेलरेट योर प्रॉफिट। ज़्यादातर लोग सिर्फ 5-6 हज़ार का लॉट होता है तो 1-2 रुपये में निकल जाते हैं, वो गलती ना करें, राइट? बहुत सीरियस चीज़ है, राइट? ये एंटरटेनमेंट के लिए कभी नहीं करना चाहिए, ओके? सो दिस वे जब तक ये हाई प्रीवियस डे का हाई ब्रेक नहीं होता है तब तक यू शुड होल्ड, ओके? बिकॉज वी ऑलवेज ट्रेड फॉर बिग प्रॉफिट। नाउ वी हैव गॉट द वन ग्रीन कैंडल, तो उसका हाई पे रख देते हैं। कलर डजंट मैटर, हमें प्रीवियस डे का हाई से स्टॉप लॉस रिवाइज करते जाना है। स्टिल The trade is intact, no need to worry because we will get something. Let's see. देखिए यहाँ पे marginally हम रह गए, कहीं लोग क्या होते हैं stop loss के नज़दीक आ जाता है तो डर के निकल जाते हैं, वो फिर जाता है trading psychology पे, ऐसा सोच लेते हैं कि अभी हो ही जाएगा, ऐसा मत कीजिए दोस्तों, right? So this way now देखिए journey कितना लंबा था, किसी को पता था जब हमने बेचा, okay? So finally this is the end of the journey, this is the end of the trade. So this way you can trade with this pattern, right? So हमने जितना चाह जितना कवर कर सकते थे उतना अच्छी बात है, सब कवर कर चुके हैं ज़्यादातर ये पैटर्न में, ओके? सो ये वीडियो को देखें, शेयर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके लोगों तक पहुँचाइए, तो लोगों को भी पता चले कि जो यूं ही विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड करते रहते हैं, राइट? सो उनको बहुत हेल्पफुल रहेगा। एंड जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनको मैं थैंक्स कहना चाहूँगा, राइट? सो थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, और नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए फॉलो द स्टॉप लॉस, गुड बाय, टेक केयर।